आप मतलब कुछ सरकार से भी अपील करना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहूँगी। हाँ जी, क्या मतलब क्या मदद है आपको, मतलब किस चीज़ का क्या मदद है? मैं तो बस क्या चाहिए, इनकी छावा चाहिए और चारा चाहिए, ठीक है, टाइम पे इनका बेचारिया पेट भर जाओ, और तो क्या चाहिए हमें। हाँ जी हाँ जी। भाई सारे भाइयों राम राम। राज आप आ रहे हैं अड़े नहर दौरे, जो ये गौशाला दिखेगी वे पीछे, इसमें जाके दिखाऊंगे क्या कुछ सिस्टम है, गड्डी गुड्डी खड़ी है बाहर। और यो जो जान लाग रहा है पाछे नहीं हो जाओ रोहतक, ठीक है, रोहतक सिटी की तरफ, तो वह जाके दिखाऊंगे इस गौशाला में कैसे क्या कुछ सिस्टम है भाई, क्या मैनेजमेंट है यहाँ पर, जो महाराज जी हैं कितने क्या कुछ कर रहे हैं, तो फिर स्टे ट्यून्ड। तो ये वाला भाई रास्ता जान ला रहा है रोहतक सिटी की तरफ, और यह खड़ी रोहतक वाले ब्लॉगर की बुलेट, अरे ये नहर के पे चल रहा है क्या मैं काम, अरे वह जाके दिखाऊंगे गौशाला में कितने कुछ क्या गऊ हैं भाई, बने रहो। या जैसी भी चल रही है, और ये देखो ये कुछ गौशाला का सिस्टम हो रहा है अड़े, और अड़े ट्रैक्टर में तूड़ा तड़ा है अपने गौ माता के लिए, ये देखो, और उधर गऊ हैं। अभी अंदर जाके दिखाऊंगे और क्या सिस्टम है यहाँ पे। यो गंडा सा ला रखे भाई हरा चारा काटने खातर, ये देखो अरे महाराज जी बैठे हैं। राम राम महाराज जी, ये भाई आके बात करेंगे पहले और दिखाऊंगे अंदर से क्या कुछ है। गौदान महादान, और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, अंदर जाके दिखाएंगे अभी। अरे भाई कुछ गौ माता का है चारा अपना सिस्टम जो भी है, ये गौ माता यहाँ पे, अच्छा छावा तैयार होने लग रही है, और भी ये निर्माण चालू है इसका, अच्छा सारे जो छावा बना रहे हैं। हाँ जी, ये इधर एक बाड़ा इधर बनाया हुआ है ये। हाँ जी, तो देखो भाई गौ माता छोटी सी, ये महाराज जी हमको गाइडेड टूर कराओगे वह कहाँ पे क्या सिस्टम है, मेरे को तो पता नहीं। खैर ये बड़ी गायों का बाड़ा तैयार किया हुआ है। हाँ जी, ये चारों तरफ खोर जो है चारा डाल रहे हैं इनके लिए। अच्छा, चारा चारे का टाइम हो रहा है। हाँ, अब चारा डाल रहे हैं, चारे का टाइम हो रहा है। हाँ जी, ये देखो भाई गौ माता के लिए बढ़िया पंखे चल रहे हैं टीना पे, और अच्छी बड़ी गौशाला दिखा है। ये बोर दिखाओगे जाके, ये छोटे बच्चों का अलग से बड़ा तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये बड़ा महाराज जी छोटे बच्चों का है? अच्छा रुको, ये भाई छोटे बच्चे हैं यहाँ पे गाय के। हाँ जी, अच्छा पानी वगैरह पीने का पूरा इंतजाम है ये गौ माता का, बिल्कुल नीला दल चलता रहता है, बिल्कुल यहाँ पर पानी पी लेते हैं भाई गौ माता। पूरी सेवा है, मतलब बढ़िया सेवा चल रही है यहाँ पर। ये नीलगाय का बच्चा है। अच्छा, एक बरिंद खोद और दिखा देता हूँ मैं दूर। अच्छा, पैर कट रहे हैं। शंकरा नाम है, शंकरा नाम है इसका। अच्छा जी, ए शंकरा, ये भाई नीलगाय का बच्चा, ये देखो मेरे पैर कट रहा है इसका, तो इसकी भी सेवा यहाँ पे हो रही है। हाँ,
अच्छा ये खड़ा ये बड़ा तैयार है बैठने और खड़े होने के लिए। हाँ यहाँ अपना आराम से ये पर दिखा लाऊँ मैं। ये देखो भाई अरेंजमेंट पूरा है। ये देखो अभी निर्माण कर रहे हैं। अच्छा जी गेटा का सिस्टम कस होता है। अच्छा जी बीमार मरीज जो भी है। अच्छा जी ये छोटे बच्चों का बीमार जैसे बीमार है टूटे फूटे जो भी यहाँ जो हाँ तीसरे नंबर के छोटे बच्चे जैसे ऐसे हैं। अच्छा ये और भी छोटे हैं। हाँ हाँ ये इनके लिए अलग से बनाया हुआ है और ये इधर तूड़े की तैयारी चल रही है। तूड़े की बारह तैयार कर रहे हैं ये। हाँ जी ये अभी टीने डल रही हैं। हाँ जी हाँ जी ये इधर ये है। ये अपने इधर बाखर ड्राम है जो ये रखे हैं। अच्छा। इनमें बाखर डाल देते हैं। बाखर से इनमें बाखर डाल देंगे। महाराज जी से भी अलग से बात करेंगे भाई। ये गोदाम है जिस महीने का बाखर वगैरह रखा जाता है। हाँ जी एक और बच्चा बैठा हुआ नील गाय। हाँ ये नील गाय का बच्चा है। ये भी अमावस्या के दिन आया था। अच्छा पहले दो बच्चे थे अपने पास तो एक बच्चा कुत्तों ने जो है मार डाला था। हाँ कुत्तों ने मार दिया था। शिवा इसका क्या नाम रख रखा है। इसका नाम शिवा है। उसका भी नाम शिवा था। अच्छा ये अमावस्या के दिन वो भी अमावस्या के दिन आया था और ये भी अमावस्या के दिन आया है। अच्छा जी हाँ जी इसका भी जब हमने नाम शिवा ही रख दिया। आजा भाई शिवा ठीक ठाक हो गए अभी फुल। हाँ ये कुत्तों ने पकड़ लिया था जी। अच्छा हाँ इसको भी जो है बताया कुत्तों से। देखो ये मुंह के जो है दाग लगी हुई है। आजा 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 भाई आजा। देखो अभी ये साथ साथ चलेगा। आजा भाई शिवा आजा आजा बेटा आजा आजा। अब ये दूध पी के आराम से स्वस्थ। अच्छा हाँ मस्ती में बैठा है। ये चारा काटने की मशीन अपना यहाँ इनका चारा काटा जाता है। ये चारे की व्यवस्था हाँ। है यहाँ पे। अभी चारा कटाई हो गए अंदर पहुँच गया अभी तूड़ा डाल रहे हैं। ऐसे ही है। गोरी गोरी नाम है इसका। यो शंकर कौन सा है। शंकर शंकर ये शंकर है। अरे वो राधा। ये राधा राधा रानी। ये बच्चे भी आज छुट्टी के दिन आ रखे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं ये वो राम नंदी। ये राम नंदी। नंदी अरे नंदी ये नील गाय का बच्चा अभी अंदर बैठा था डरे होड़ा ये बाहर आ गया है। यहाँ से कुत्ते ने पड़ गया था ये। अच्छा ये निशान है जो कुत्ते का। हाँ शिवा भाई शिवा। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। और आज ये जुगर दिखाया आप लोगों को हमारे यहाँ पर नहर के पास जो गौशाला है और हमारे साथ है महाराज जी गौ सेवक। राम राम महाराज जी। जय हो भाई। कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे। मेरे को लगभग 2 साल के करीब हो गए हैं। कितने साल। 2 साल। 2 साल हो गए जी। अच्छा जी और कितनी गौ माता हैं अपने यहाँ पे। गौ माता होंगी 190 से 200 के करीब। अच्छा जी 190 से 200 के करीब। हाँ जी। और जो काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग कितने लोग। यहाँ
तीन तो तनख्वाह वाले हैं, बाकी अपने जो है सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। और जो इनके चारे वगैरह का अरेंजमेंट है, मतलब चारे का वगैरह जो भी है? हाँ, जो भी आता है उसमें ही जो है, ठीक है, इनका निर्भर होता है। अच्छा जी। और सरकार की तरफ से तो अभी कोई मदद है नहीं। अच्छा जी। बाकी जो है सेवक भक्तों की, ठीक है। तो आप मतलब कुछ सरकार से भी अपील करना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहेंगे। हाँ जी, क्या मतलब क्या मदद है आपको, मतलब किस चीज़ का क्या मदद है? मैं तो बस क्या चाहिए, इनकी छावा चाहिए और चारा चाहिए, ठीक है, टाइम पे इनका बेचारी का पेट भर जाए, और तो क्या चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ जी। और जो मतलब गायों का दूध है वो कहाँ पे सप्लाई होता है? दूध अभी तो कोई सेवा भाव ही चल रहा है, जैसे अच्छा। कोई मरीज है, छोटा बच्चा है, उसके लिए ही जो है व्यवस्था कर पाते हैं। हाँ जी। तो आपको आपको महाराज जी कितना टाइम हो गया, मतलब गो सेवा के लिए जो जीवन समर्पित किया है आपने, कितने समय से? खैर अपनी बचपन से ही अच्छा। जो है अपनी इच्छा थी अंदर की, मेरे अपने अंदर की आत्मा थी कि मैं कुछ करूं, कुछ करूं, हाँ कुछ सेवा, मेरे को मौका मिले सेवा, सेवा भाव बचपन से ही था। सेवा भाव, जैसे किसी की भी जीव जंतु कोई भी आ गया मेरे सामने, उसको ठीक करना, उसकी रक्षा करना, ये शुरू से ही मेरे बचपन का जो है। गांव कौन सा है महाराज जी अपना? यही बोर नगर है। तो ये देखा भाई आप लोगों ने कि कैसा था ये गौशाला का वीडियो, और कितने सारे मतलब गौ माताओं की सेवा हो रहे हैं, जो महाराज जी है अपना पूरा जीवन इन्होंने इसी को समर्पित कर दिया है। और आप लोगों से भी मैं मतलब अपील करूंगा रोहतकवासियों से कि अगर आपको कोई गायें अगर दिखती है लावारिस हालत में, या कुछ चोट वगैरह उसको लगी हुई है गौ माता को, तो महाराज जी का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है मैंने, आप ज़रूर संपर्क करें और अच्छे से अच्छी उनकी जो सेवा करी जाएगी। और सेवा में कोई कमी नहीं है, मतलब आपने देखा भी होगा वीडियो में खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट है, और जो शेल्टर वगैरह वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इतना ही बस इस वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ, और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो वो भी मेरे को बताइए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई आप जाके एक बड़ी गौशाला में ज़रूर विजिट करें, और जैसा भी आपका श्रद्धा भाव है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, वो दान ज़रूर दे के आए यहाँ पे, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हो गौ माता की।